हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक राजदारियान और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के आर फिल्म्स भोजपुरी में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पोस्टर डिज़ाइनिंग के बारे में आप सबको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अभी फोटोशॉप CC 2018 यूज कर रहा हूँ, तो इसे ओपन करता हूँ। और बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मेरे पास रिक्वायरमेंट आया था कि मैं इस पर एक ट्यूटोरियल बनाऊँ, और काफ़ी सारे अभी रिक्वायरमेंट पेंडिंग में है। तो इसका जो मेन रीज़न है, मेरा टाइम का बहुत अभाव है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे सभी जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्द। तो फाइनली इस टॉपिक पर आज बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पोस्टर का डिज़ाइनिंग है, और जो कि मेरे कंपनी से रिलीज है KR फिल्म से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे टोटल जो ये प्रोसेसिंग है, इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियोज़ बनाया हुआ है, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड है। अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत सारे आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड, पोस्टर डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे फॉन्ट से रिलेटेड। तो आप जरूर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, और कहीं भी दिक्कत हो अगर आपको इस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे आपको बहुत सारे पोस्टर वगैरह यहाँ पे, ये और लोगो किस तरह से डिज़ाइन करता है। यहाँ पे लोगो भी दिखा होगा मेरा कंपनी का, तो ये मैंने खुद से लोगो भी डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्टर वगैरह, और इसमें जो आपको परेशानी हो, जैसे बहुत सारे आपका जो है वो डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो भी आप पिक वगैरह कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो इन सभी के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं हमें, या फिर कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक फॉन्ट है जो कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे दो फॉन्ट है जो कि ज़्यादा यूज होता है डिजाइनिंग में, एल्बम नेम वगैरह देने में, और बाकी का जो नीचे का जो फॉन्ट है ये सभी दूसरा फॉन्ट है। तो ये जो मेन जो फॉन्ट जो दिया गया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बोल्ड फॉन्ट है, जिससे जो इमेज की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम लोग इसे यूज़ करते हैं। अगर आपको ये फॉन्ट चाहिए हो तो आप मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फाइनली चलिए, मैं आज के इस वीडियो में आपको ये, जैसे कि मैंने ये डिज़ाइन कर दिया हुआ है पोस्टर, अब अगला जो बंदा है, उसका जो सिंगर है, उनका रिक्वेस्ट है कि ये सॉन्ग को मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँ। तो अगर मैं इस डिज़ाइनिंग पर, ये जो मैंने डिज़ाइनिंग किया है, अगर इस डिज़ाइनिंग पे अगर मैं सॉन्ग को वीडियो में कन्वर्ट करके अगर अपलोड करता हूँ, तो कुछ जो यूट्यूब पे जो होगा वो काफ़ी अच्छा मतलब कि फुल स्क्रीन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें अलग से एक डिज़ाइन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने नेट यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे नीचे कुछ मेरा कंपनी के डिटेल्स वगैरह, ट्रेडिंग कार्ड वगैरह दिया गया हुआ है। तो ये इसका जो साइज़ है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इमेज साइज़ में जाने के बाद में। इमेज साइज़ में जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 एंड कुछ इस तरह का साइज़ है, ओरिजिनल साइज़ है। तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि इसका जो आपका साइज़ हो वो 1280x720 का होना चाहिए, तभी ये आपका जो YouTube स्क्रीन YouTube के स्क्रीन में पूरा फिट बैठेगा। तो फाइनली चलिए, यहाँ पे ये सेव है, यहाँ पे लोगो है ही पहले से, तो यहाँ पे लोगो मैंने एडजस्ट किया हुआ, इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और देखिए, लोगो जितना ही आपका जो डिज़ाइन करते हैं उसमें जितना ही मैटर छोटा होगा उतना ही काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं इसे ज़्यादा बड़ा कर दूँ, देखिए यहाँ से मैं इसे इतना बड़ा कर देता हूँ, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी मैटर यूज करें वो नॉर्मल मीडियम में, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, और कोशिश करें थोड़ा छोटा ही रहे, तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक क्वालिटी होती है। तो ये हो चुका है एक, और इसके बाद में यहाँ पे मैं कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ सिंगर का फ़ोटो, हमारे पंकज भाई हैं ये। तो चलिए, मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अगर आप A4 साइज से जो डिज़ाइनिंग होता है, जैसे कि ये मैंने डिज़ाइनिंग कर लिया हुआ है, तो इसके बाद में आपको यूट्यूब डिज़ाइनिंग करना बहुत ही आसान है, बस आपका 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आप इसे कर लोगे। और इसके बाद में इसे आप एडजस्ट कर सकते हो, कंट्रोल T के साथ आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हो। और जब इसे आप छोटा और बड़ा करें तो शिफ्ट जो बटन है उसे प्रेस करके करें। इससे होता क्या है, जो कि हाइट एंड विड्थ जो है वो सेम रेशियो में, मतलब सेम अनुपात में ये आपका बढ़ेगा और घटेगा। तो चलिए, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। एंड फाइनली फिर आते हैं ऑप्शन में यहाँ पर, और इसका यहाँ से मैं शंकर जी का जो पिक है उसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक मंदिर भी है छोटा सा, सॉरी, इसे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए, इतना जो है वह सिलेक्ट हो चुका है, तो फिर इसे यहाँ पे छोड़ते हैं। तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है।
और इसके बाद में ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसे मैं कंट्रोल टी से छोटा कर देता हूँ इसे। सॉरी आप लोग कुछ नॉइज़ वगैरह आ रहा होगा, क्योंकि मैं अभी मेरा फ़ैन वगैरह चालू है, बगल से हाईवे है, तो इस वजह से नॉइज़ वगैरह आ जाता होगा। तो मैं इसे यहाँ से कंट्रोल और उसका ब्रैकेट की से मैं इसे पीछे की तरफ करता हूँ, क्योंकि ये मेरे फोटो के ऊपर से ओवरलैप हो चुका है, तो मैं इसे पीछे करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ आ गया हुआ है। और इसके बाद में यहाँ पे जाए तो इसके बाद में यहाँ पे मेन जो चीज़ है, जो एल्बम नेम है, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो इसे भी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया हुआ है और ये नीचे की तरफ चला गया हुआ है, तो मैं इसे भी ऊपर करूँगा। तो कंट्रोल और ब्रैकेट से इसे वो ऊपर कर देंगे और उसके बाद में इसे यहाँ पे रख देते हैं। और इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल टी और शिफ्ट प्रेस किए हुए मैं इसे छोटा करूँगा। और फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो मैं बनाता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यहाँ पे आते हैं, उसके बाद में यहाँ पे नाम दिया हुआ है पंकज भाई का, तो ये नाम भी मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पे जो सिंगर का नेम है उसे मैं यहाँ पे करता हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा है, ये छोटा भी रहेगा तो चलेगा। तो इसे मैं कंट्रोल टी से इसे मैं छोटा कर देता हूँ, इतना काफ़ी है। और मैं इसे यहाँ पे करता हूँ और ये पट्टी जो है, ये जो ग्रीन कलर का, इसे भी मैं छोटा करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे मैंने छोटा कर दिया हुआ है। सॉरी एक सेकेंड। और यहाँ पे जो नेम है वो मैच जो है वो कलर से मैच कर रहा है, इस वजह से काफ़ी अच्छा क्वालिटी में नहीं आ रहा है। तो इसे मैं दूसरा ब्लैक करता हूँ, तो ब्लैक करने पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये पता चल रहा है कि क्या नाम लिखा हुआ है। और फाइनली मैंने फ़ोटो और पिक वगैरह ट्रैक कर दिया हुआ है। मैंने अभी थोड़ा शंकर जी का जो फ़ोटो है वो थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, तो मैं इसे कंट्रोल टी के साथ आप इसे मैं बड़ा करता हूँ। डिज़ाइनिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, बस आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ये अच्छा होगा। तो फाइनली यहाँ पे ये सभी काम हो चुका है। और इसका मैं यहाँ पे मेरा जो नंबर है वो डिज़ाइनिंग का, वो मैं नंबर दे देता हूँ साइड में कहीं पे, क्योंकि इसे देना ज़रूरी है। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ चलिए इतना ही सही है। और मैं यहाँ पे कुछ अपना ऑडियो वीडियो रिलीजिंग डिज़ाइनिंग वगैरह का कुछ ऐड है, तो वो भी मैं दे ही देता हूँ यहाँ पर छोटा सा अक्षरों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो जिससे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सभी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह कॉपी कर दिया हुआ है। तो इसके बाद में यहाँ पे फाइनली आते हैं बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ इसे मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये कट मार्क दिख रहा हुआ, तो मैं इसे हटाऊँगा, क्योंकि ये एक छोटी छोटी जो जो कमियाँ रह जाती है, तो इस वजह से हमारे डिज़ाइनिंग पे काफ़ी अलग एक इफ़ेक्ट पड़ता है, अलग एक प्रभाव पड़ता है। तो इस पर हमें सबसे पहले ध्यान देना ज़रूरी है, तो इसे मैं हटाऊंगा और एंड फाइनली इस वहाँ पे बैकग्राउंड कॉपी करूंगा मैं। ये साले ट्रक वाले भी, तो यहाँ से ये बैकग्राउंड में कॉपी करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। और इसे मैं सबसे पहले थोड़ा सा जूम करता हूँ और कंट्रोल टी, और इसे मैं ले जाता हूँ नीचे की तरफ, जिसे कंट्रोल और ब्रैकेट के साथ इसे डाउन मोड में करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आ गया हुआ, और फिर इसे कंट्रोल टी और इसके बाद में इसे बड़ा करता हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये एक काफ़ी अच्छा लुक में आ चुका है, तो ये काफ़ी फैंटेस्टिक लग रहा मुझे, शायद आपको भी लग रहा हो। और एंड फाइनली यहाँ पे देखें तो ये एक कुछ इसे बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा मंदिर है। एक्चुअली मैं इसे जूम करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो देख रहे होंगे ये आप, ये मंदिर है और इसके पीछे एक लाइट जो है आप जो देख रहे होंगे, तो ये ट्रांसपेरेंट लाइट है और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। देखते हैं ये रिमूव हो रहा है, तो इसे मैं दूसरा कलर में करूँगा, वाइट में करूँगा। या येलो, येलो सही है, येलो जो है वो सही है, हल्का येलो लग रहा है कि हाँ, कि सूरज की प्रकाश जो है वो आ रही है इस तरह से।
तो डिज़ाइनिंग पे कुछ अपना भी माइंड जो है वो लगाना पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे जो ये है ये काफ़ी एक अच्छा है, अगर मैं इसे बीच में कर दूँ तो और भी अच्छा लगेगा। तो फाइनली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डिज़ाइन करते हो, और ये कलर का जो मैनेजमेंट है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एक्चुअली कौन सा कलर कहाँ पे सूट करेगा ये आपको पता होना चाहिए तभी। और मान लेते हैं कि ये आपको इस टाइप से वो डिज़ाइन करना है कि ये पता चले कि हाँ क्या लिखा हुआ, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और कोशिश करें कि जो फ़ोटो वो नॉर्मल हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो। और यहाँ पे मेरा जो ये डिज़ाइनिंग का जो ये है तो ये यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, तो इसे मुझे शायद ट्रांसपेरेंट करना होगा, स्ट्रोक इस पर डालना होगा। तो मैं इसे पे स्ट्रोक फसा करता हूँ, एक्चुअली 2% करता हूँ मैं स्ट्रोक, और मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा तभी ये दिख पाएगा। सॉरी, ये बोल्ड है ही पहले से, तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब शायद दिख रही होगी, पता चल रहा होगा नंबर मेरा। सॉरी, ये शायद थोड़ा सा पता चल रहा है मेरे हिसाब से, रेड ब्लैक ही सही है, तो वाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। और चलिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऐसे मेरा नंबर, यहाँ पे भी ट्रेडिंग पार्टी में दिया हुआ है, ये मेरा ही नंबर है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल ही जाएगा मेरा। तो फाइनली मिला जुला के सब चीज़ ओके है, फाइनली सिंगर हो गए, एल्बम नेम हो गया, और ऊपर का जो कंपनी का है मेरा वो आपको हो ही गया। तो ये एक्चुअली जो है यहाँ पे सब कंप्लीट है, एंड यहाँ पे देखो कुछ छुटा तो नहीं। तो यहाँ पे एक कावर भजन का मैंने ये बनाया हुआ है, तो ये भी मैं डाल ही देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लगता है ये भी। तो फाइनली सब काम जो है वो कंप्लीट है, अब सिर्फ इसे अब सेव करना बाकी है। तो मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट एस से प्रेस करके मैं इसे पहले PHD फाइल में सेव कर दिया हूँ, और इसके बाद मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट एस से इसे JPEG फाइल में सेव करूँगा। तो मैं इसे बैक करता हूँ, उसका मैं अलग फोल्डर में सेव करता हूँ, और यहाँ से जाकर मैं इसे JPEG फोल्डर में सेव करूँगा, और इस पर कुछ नाम दे देता हूँ, यहाँ कुछ दे दिया, और उसके बाद मैं सेव। तो ये फाइनली सेव हो चुका है, तो मैं यहाँ से कट कर दूँगा इसे, और इसे यहाँ से भी मैं कट कर दूँगा, अब मुझे इसका काम नहीं है, तो मैंने इसे कर दिया कट। और फाइनली ये मेरा फोटोशॉप 7.0 था, तो मैं इसे अभी बंद कर 7.0 नहीं सॉरी CC 2018 है, तो मैं इसे भी कट कर दिया। अब यहाँ पे देखता हूँ वो फ़ोटो कहाँ पे है, सॉरी तो आते हैं यहाँ पे, शायद मैंने पंकज लिखा हुआ था उस पर। तो यहाँ पर आ गया ये, तो देख सकते हैं ये डिज़ाइनिंग रेडी है, और इसे पे मैं अब यहाँ पे सॉन्ग अपलोड करूँगा इसी फ़ोटो के सहारे। तो मैं इसे पहले वीडियो में कन्वर्ट करूँगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइबर लिंक डायरेक्टर जो है वो मैं इसे ओपन करूँगा, और ये वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी, क्योंकि मैं इसे पूरा प्रोसेसिंग बताने वाला हूँ A to Z शुरू से लेकर लास्ट तक। तो प्लीज़ आप अपना समय कीमती समय अगर आप ये सीखना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो। और ये साइबरलिंक का पावर डायरेक्टर है 16, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आते हैं गैलरी में, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है प्रोजेक्ट वगैरह, तो मैं इसे छोड़ता हूँ, मैं इसे कंट्रोल ओ से यहाँ पे कुछ पहले से जो प्रोजेक्ट किया हूँ लेटेस्ट में रिसेंटली वो मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे नो, और यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट अपने आप ओपन हो जाएगा इग्नोर और ऑल। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा जो पिछला सॉन्ग था उसका प्रोजेक्ट मैंने किया हुआ था मेन से, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसमें प्ले करता हूँ,
तो ये एक पिछला सॉन्ग था जो कि मैंने इसे डायरेक्ट किया हुआ था और काफ़ी अच्छा चला मार्केट में और आप ही लोगों का प्यार था, आशीर्वाद था। तो फाइनली यहाँ पे जो ये जो दो ट्रैक है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं इसे जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस सॉरी, तो नीचे वाला ट्रैक जो है वो ऑडियो ट्रैक है, ऊपर जो है वो डिजाइनिंग है। तो मैं इस दोनों को डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट एंड लीव कर देता हूँ क्योंकि इतना मुझे खाली चाहिए। और इसके बाद में यहाँ पर मैं इसे इधर करता हूँ और इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरा इंट्रो है, ये देख रहे होंगे ये मेरा इंट्रो है। और अगर आपको नहीं आता इंट्रो बनाना तो आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको इंट्रो बनाना। और यहाँ पे फाइनली मेरे पास इमेज है और मैंने सबसे पहले इमेज यहाँ पर ड्रैग करता हूँ और इसे ले जाके यहाँ पर छोड़ता हूँ ऊपर वाले लाइब्रेरी में और इसे मैं खींच के बड़ा करता हूँ जितना लेंथ का जो है, और यहाँ पर मैं इसे करूँगा। और फाइनली सॉरी शायद मेरा सही नाप नहीं था, इसलिए छोटा हो गया इसमें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली मैं अब मुझे सॉन्ग चाहिए, तो सॉन्ग शायद मेरे पास है नहीं, है मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप पे आया हुआ है, तो मैं डाटा केबल से कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने डाटा केबल लगा रहा हूँ एक सेकेंड, तो मैं डाटा केबल से लगाऊँगा यहाँ पर। तो फाइनली मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो चलिए मैंने डाटा केबल को कर दिया हुआ है सबमिट। और इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने फ़ोन से परमिशन देता हूँ और फाइनली ये आ गया हुआ है, तो मैं इसे ओपन करूँगा। और यहाँ पे कुछ ये सर वायरस वगैरह है तो मैं इसे डिलीट करूँगा। और उसके बाद में व्हाट्सएप पे आया सॉन्ग, तो मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगा, W प्रेस करूंगा और इसे ओपन करूंगा, व्हाट्सएप मीडिया एंड व्हाट्सएप इमेज, और इस इमेज सॉरी ऑडियो है, तो व्हाट्सएप ऑडियो में जाऊंगा। और ऑडियो में जाने के बाद में यहाँ पे वो सॉन्ग होगा, तो मेरे हिसाब से ये सॉन्ग ये हो सकता है क्योंकि 6-7 MB का है सॉन्ग। चलिए करेक्ट, एकदम सही है, मैंने जो रुमान लगा था वो सही है, यही सॉन्ग है। तो मैं इसे ड्रैग करके कॉपी कर लिया मैंने डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक डिज़ाइनिंग है और यहाँ पे ये सॉन्ग है, और ये दोनों अलग अलग है, MP3 है और यहाँ पे ये एक एल्बम का जो है वो यूट्यूब डिज़ाइनिंग है, तो दोनों अलग अलग है। और इसे मैं कनेक्ट क्या बोलते हैं उसे कनेक्ट करके मैं इसे वीडियो बनाऊँगा। तो फाइनली मैंने फ़ोटो जो है वो ट्रैक पे पहले से डाल रखा है साइबर लिंक के, और अब मैं इसे म्यूज़िक को डालूंगा, म्यूज़िक को ड्रैग करूंगा और इसे मैं नीचे वाले ट्रैक पे छोड़ूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसे मैं ये जुड़ गया और इसका मैं इसमें छोटा करता हूँ। अब देखते हैं कि मेरा म्यूज़िक जो यहाँ पर ख़त्म होता है, तो मैं फ़ोटो को ठीक वहीं तक ड्रैग करके लेके जाऊँगा उस यहाँ तक, तो यहाँ तक हो गया। और इसके बाद में इसे ये जो लास्ट इंट्रो है इसे मैं यहाँ पे ले आकर जोड़ दूंगा इसे, तो फाइनली जहाँ पे मेरा जो सॉन्ग ख़त्म होगा उसके बाद में इंट्रो शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो ये चल रहा है जैसे ही ये सॉन्ग ख़त्म होगा और ये इंट्रो आ गया मेरा, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसके इसमें मैं एक और चीज़ देता हूँ, यहाँ पे शुरू में मैं ट्रांजेक्शन का इफेक्ट रहता, तो मैं ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जो है वो मैं डालता हूँ यहाँ से। अगर आपको ये पूरा और भी गहराई से जानना है तो आप इस पर कमेंट करें, मैं और भी गहराई से इसको बताऊंगा। और फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया इंट्रो, तो ये आप देख सकते हैं। और इसका तो यहाँ पे कुछ ये दिया गया हुआ है, यहाँ पे ये कुछ मेरे कंपनी का प्रचार वगैरह जो कि यहाँ पे चल रहा है नीचे की तरफ, ये आप देख सकते हैं। तो फाइनली ये पूरा जो प्रोसेसिंग है ये कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसे प्रोड्यूस करूँगा और इसे मैं प्रोड्यूस के लिए यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं AVC में करता हूँ, यहाँ पे AVC और यहाँ पे 720 और 1280 में है जो कि YouTube पे पूरा परफेक्ट एक ये है। और इसे मैं इनेबल कर देता हूँ प्रीव्यू और अपना लोकेशन इसका दे देता हूँ यहाँ पर, मेरा जो लोकेशन मैं हर बार देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो प्रोड्यूस का जो लोकेशन है एक सेकंड, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ नया फ्रेंड
मांग ली और इसे मैं ओके कर देता हूँ और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये लगभग 100-150 एमबी का हो ही जाएगा ये, और ये एक मुझे वीडियो जो है वो आउटपुट मिल जाएगा और इस वीडियो को मैं आसानी से अपलोड कर सकता हूँ। तो चलिए तब तक के लिए मैं वेट करता हूँ, इसे पूरा जो इसे प्रोसेसिंग होने में कुछ टाइम लग सकता है, 5-10 मिनट। तो तब तक मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो चलिए, तो फाइनली ये अब प्रोड्यूस हो चुका है 91% तक। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो ये काफ़ी ज़्यादा एमबी का शायद प्रोड्यूस हो चुका है, मैं इसे एक बार मेज़र करूँगा फिर दोबारा। तो फाइनली ये हो रहा है और इसमें लगभग मुझे यही 4 से 5 मिनट टाइम लगा है, और ये लगभग 5 मिनट 47 सेकेंड का जो है और काफ़ी अच्छा ट्रैक है। ये सॉन्ग भी आप सुनिएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। और यहाँ से मैं जाता हूँ, ये फाइनल प्रोड्यूस हो चुका है, तो फाइनली मैं जाता हूँ ओपन फाइल लोकेशन पे। और इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ चुका है, और ये लगभग 261 MB का हो चुका है फाइल, जो कि काफ़ी बड़ा फाइल हो चुका है ये। लगभग मैं अगर इसे थोड़ा और लो क्वालिटी में करता तो ये लगभग और अच्छा, मतलब कि थोड़ा और कम, मतलब 100 MB में हो जाता है ये। तो ये गलती से मैंने इसे थोड़ा हाई क्वालिटी में कर दिया हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे साइबर लिंक को बंद करता हूँ, उनसे नो। और यहाँ पे ये सॉन्ग मेरा जो है ये मिल गया है। अब मैं फाइनली अपना इसे डिज़ाइनिंग भी मैं रखता हूँ अभी, क्योंकि मैं इसे फेसबुक पे भी अपलोड करूँगा अभी हाल फिलहाल में। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा हद तक। और मैं यहाँ पे यूसी ब्राउज़र ओपन करता हूँ, और यहाँ से ये यूसी ब्राउज़र ओपन हो रहा है फाइनली। और तो चलिए, ये यूसी ब्राउज़र ओपन होगा, इसके बाद में मैं अपना प्लस, और इसके बाद में यहाँ से यूट्यूब, और इसे मैं अपलोड करूँगा। देखते हैं कितना समय लगता है। ऐसे तो मेरा जो यहाँ पे जो नेटवर्क है वो काफ़ी फास्ट नेटवर्क है, लगभग 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एयरटेल पूरा का पूरा ही चलता है। ओके चुका है, और तो मैं सिंपली जो यहाँ पे सॉन्ग है मैं उसे ओपन करूँगा, और यहाँ से इस सॉन्ग को वीडियो का जो है वो मैंने ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लाके इस लोकेशन पर लाकर छोड़ दूँगा, और इसे छोड़ते ही ऑटोमेटिक अपलोडिंग शुरू हो जाएगा यहाँ पर। और देखें, जैसे कि यह शुरू हो चुका है, और मैं यहाँ पर दे दूँगा नया परेंट मांगे ली, जो एल्बम का जो नेम है, एल्बम के नेम के हिसाब से रिक्वायरमेंट से मैं यहाँ पे डाल दूँगा नया, जिससे कि मान लेते हैं मुझे यहाँ पे हिंदी में देना है, तो मैं यहाँ से प्लस करूँगा, और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आता है hindichandhindi.com, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं इंग्लिश टाइप करूँगा, ये हिंदी हो जाएगा। अपलोडिंग स्पीड होता है वो डाउनलोडिंग स्पीड से काफ़ी कम होता है, इस वजह से अपलोडिंग में टाइम लगता है। अगर मैं यही वीडियो अगर 300 का अगर MB का जो अपलोड कर रहा हूँ, ये अगर मैं अगर डाउनलोड कर रहा होता तो ये अब तक हो चुका होता, लेकिन अपलोडिंग का जो स्पीड है वो थोड़ा कम रहता है हमेशा। तो चलिए, मैं इसे यहाँ पे टाइप करता हूँ नया परेंट मांगेली, ये होगा नया परेंट मांगे ली। यहाँ पर सबसे शुरू में भोला जोड़ देते हैं, भोला से नया फ्रेंड मांगे ली, कंट्रोल ऑल कॉपी, और मैं इसे यहाँ पर ले आके इसके टाइमलाइन पे कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया, जो कि मैं आसानी से कर दिया। और इसके बाद में इसको मैं इंग्लिश में भी दे दूँगा, भोला से फ्रेंड मांगे ली। वहाँ पे सिंगर का भी नाम दे दिया हुआ है, और अपना कंपनी का एडवर्टाइज भी दे दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और रिकॉर्डिंग स्टूडियो और मेरा लोकेशन सभी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप अगर चेक करोगे तो यहाँ से सभी चीज़ मिल जाएगा आपको। और फाइनली मैं यहाँ टैग कुछ डाल दे रहा हूँ, भोला से नया फ्रेंड मांगे ली। तो ये टैग डालना जो काफ़ी ज़रूरी है, अगर आप टैग नहीं डालते हैं तो आपका वीडियो जो है वो सर्च करने पर नहीं आ पाएगा। बाय।
फाइनली ये हो चुका है सॉन्ग। और इसके बाद में यहाँ पे आते हैं ट्रांसलेटर में, मोनेटाइजेशन मेरा इनेबल है और एडवांस में यहाँ पे म्यूज़िक कैटेगरी है, म्यूज़िक ही रहने देंगे और डेट में टुडे कर देते हैं, आज के डेट में अपलोड हो रहा है। एंड फाइनली ये अभी 86% तक हो चुका है और इसके बाद में ये सॉन्ग जो है अपलोड हो रहा है। एंड फाइनली आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड फाइनली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको फॉन्ट से रिलेटेड या फिर डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर और मेरा फेसबुक आईडी भी मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें कहीं से भी मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली इतना लंबा वीडियो आपको लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।